आज का ये वीडियो जिग जैगलर की किताब सी यू एट द टॉप पर आधारित है। जिग जैगलर ने सफलता हासिल करने के 6 स्टेप बताए हैं, जिन्होंने उन्होंने बताया है कि पॉजिटिव सेल्फ इमेज का महत्व क्या होता है और किस तरह हम अपनी एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज बना सकते हैं। दुनिया भर के कॉरपोरेट सिस्टर संस्थाएँ, सरकारी संस्थाएँ और सेल्स एजेंसियाँ इस किताब में बताए गए नियमों को फॉलो करते हैं। यह किताब आपको यह बताती है कि किस प्रकार लक्ष्य आधारित किया जाए और कैसे इन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए। इसमें हमें यह भी जानेंगे कि कैसे हम अपने एटीट्यूड को बेहतर बनाया जाए, और मैं एक एक करके आपको सभी स्टेप के बारे में डिटेल से बताऊँगा। और इस वीडियो के अंत में बताए गए स्टेप सभी महत्वपूर्ण बातों को संक्षिप्त में दोबारा दोहरा दूंगा, ताकि इस वीडियो में बताई गई सभी बातें आपको आसानी से याद रहें। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले स्टेप से। पहला स्टेप है कि सेल्फ इमेज, आत्म छवि। ज़्यादातर तो लोग अपनी खुद की इमेज या छवि को ही खराब बनाई हुई है, क्योंकि समाज हमेशा लोगों के निगेटिव बातें सिखाती है और यह निगेटिव फैलाती है। जब हमने खुद की छवि की ख़राब बनाई हुई है तो हम दूसरों को क्या सिखाएंगे। लेखक जिग जैगलर ने हमें खुद की छवि को पॉजिटिव बनाने के बहुत से तरीके बताए हैं। मैं आपको उन्हीं में से सबसे महत्वपूर्ण तरीका बताऊंगा। खुद की अच्छी इमेज बनाने के लिए अपने अंदर आत्मविश्वास और ईमानदारी और पॉजिटिव गुण होने चाहिए। अगर आपके अंदर यह गुण नहीं है तो आपको यह सब गुण अपने अंदर विकसित कर लेने चाहिए। आप बाहर से लोगों को जैसे नज़र आते हैं उसका सीधा साधा बंध आपकी सोच और आपकी विचारों से है। जिस तरह से विचार आपके सोचते हैं, जिस तरह से आप महसूस करते हैं, आप उसी तरह समाज में उठते बैठते हैं, आप उसी तरह कपड़े पहनते हैं और लोगों को उसी तरह व्यवहार करते हैं। एक रिसर्च में पाया गया कि जो कर्मचारी साफ़ सुथरे और अच्छे कपड़े पहनते हैं और खुद को अच्छी तरीके से मेंटेन रखते हैं, वह काम में दूसरों को बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इसलिए अपनी छवि को सुधारने के लिए हमें अपने लुक्स को भी सुधारना चाहिए। खुद की छवि को सुधारने के लिए, पॉजिटिव बनाने के लिए हम इतिहास के सफल लोगों की कहानियां पढ़ सकते हैं। इतिहास में सफल लोगों जैसे कि हेनरी फोर्ड, अब्राहम लिंकन, थॉमस एडिसन, एंड्रयू कार्नेगी जैसे महान लोगों की कहानियां जब पढ़ेंगे तो आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपको जीवन में मेहनत करने के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। अपनी छवि को बेहतर बनाने के लिए आप कई काम कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं या कोई भी काम शुरू कर रहे हैं जिसमें आपको विश्वास है कि आप सफलतापूर्वक कर लेंगे। जब आप नया काम करने की कोशिश करते हैं तो उसमें सफल होते हैं, उससे आप में आत्मविश्वास आता है और आत्मविश्वास का आपकी खुद की छवि भी पॉजिटिव बन जाती है। इस तरह अपनी छवि को सुधारने के लिए आपको लगातार ऐसे काम करने होंगे जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता रहेगा। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आत्मविश्वास कभी भी एक दिन में नहीं बढ़ता और उस आपकी छवि कभी एक दिन में नहीं बनती। इस तरह लोग आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए काम करके अपनी छवि को बेहतर बना सकते हैं और जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। योर रिलेशनशिप विद अदर्स, दूसरों के साथ आपके संबंध। आपको जीवन में सफल होने के लिए इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि आप लोगों के साथ आपका संबंध कैसा है। कुछ वर्ष पहले 100 सफल लोगों में से रिसर्च किया गया जो खुद को अपनी मेहनत से करोड़पति बने थे। वह सब अलग अलग जगह थे, पर उनकी शिक्षा और उनकी कुशलता का स्तर भी अलग अलग था। उसमें से 70 लोग ऐसे थे जो ऐसी जगह में रहने वाले थे जहाँ 15,000 से कम जनसंख्या थी, लेकिन उन सभी में से एक चीज़ समान थी, वह दूसरों में अच्छाई देखने की आदत। वह दूसरों लोगों में बुराई देखने के बजाय उनकी अच्छाइयाँ देखते थे। हम बुरी परिस्थितियों में भी अच्छाई देखते हैं। हम यह बात हमारे लिए संबंधों में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा हम लोग के बारे में सोचते हैं और वैसा व्यवहार हमारे साथ करते हैं। आप जिस तरह लोगों को देखते हैं, समझते हैं, उनमें से उसी तरह का व्यवहार करते हैं। लोगों के साथ बेहतर संबंध बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अपने अंदर अच्छाइयों को देखें ना कि बुराइयों को। सफल लोगों की यह विशेषता होती है कि वह दूसरों की बुराइयां नहीं करते। अब आप सोचिए कि आप दूसरों के साथ किस तरह देखते हैं, आप उनमें बुराइयां देखते हैं या अच्छाइयां देखते हैं। अगर आप अभी तक दूसरों में बुराइयां देखते आ रहे हैं तो आज से बुराइयां देखना बंद कर दीजिए, दूसरों में अच्छाइयां देखना शुरू कर दीजिए। हर व्यक्ति के अंदर बहुत सी सारी क्षमताएं होती हैं, लेकिन कई बार लोगों को खुद ही इसके बारे में जानकारी नहीं होती, इसलिए हम दूसरों की उनकी अच्छाइयों क्षमताओं के बारे में बता सकते हैं। सफल होने के लिए आपको खुद की क्षमताओं को जानना होगा, उसके बाद दूसरों के
दूसरों से संबंध बनाने के लिए आपको दूसरों की क्षमताओं को पहचानना होगा। ऐसे करने से आप दूसरों को प्रोत्साहित करेंगे और उनके साथ आपके संबंध बेहतर बनेंगे, तो आपको सफल इंसान बनने में मदद करेंगे। केवल दूसरे लोगों के साथ ही नहीं, आपके परिवार और सदस्यों के साथ भी आपके संबंध अच्छे होने चाहिए। जिन लोगों के संबंध अपने परिवार के साथ ख़राब होते हैं, वो ज़्यादातर समय तनाव में रहते हैं, क्योंकि उनमें उनके मन में अपने परिवार को लेकर कोई ना कोई समस्या चलती रहती है और परिवार की यही समस्याएं उनकी सफलता में रुकावट पैदा करती हैं। ज़्यादातर लोग सफल लोगों की अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे संबंध होते हैं और यही उनकी सफलता की बहुत बड़ा सच है। परिवार के लोगों के साथ अच्छे संबंध होने से व्यक्ति अपना सारा ध्यान अपने कामों पर लगाता है, जिससे वह अच्छा काम करता है और सफलता हासिल करते हैं। सेट गोल्स, लक्ष्य तय करें। शिखर तक पहुंचने के लिए तीसरा कदम है कि अपने गोल्स यानी लक्ष्य को निर्धारित करें। दोस्तों, इस कदम पर आपको सबसे अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि गलत लक्ष्य निर्धारित करने से इंसान गलत दिशा में काम करता है और अंत में उसके हाथ में केवल सफलता असफलता ही लगती है। सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लक्ष्य निर्धारित करें। लक्ष्य निर्धारित करने के पहले आपका गोल आपके मन पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके जीवन में क्या करना चाहते हैं। जिन कामों में आपकी दिलचस्पी है, उन्हें करने से आपको खुशी मिलती है। आपको उन्हीं में से किसी एक काम को अपना गोल बना लेना चाहिए, क्योंकि गोल आपके पूरी तरह स्पष्ट होते हैं। किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद आपको उसे हासिल करने के लिए पूरी योजना बनानी चाहिए, क्योंकि बिना योजना के किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए सिम इंडोर्ड हेरली, जो एक माउंट एवरेस्ट पर चोटी पर पहुंचने वाले थे, सबसे पहले व्यक्ति, तो उन्होंने अपना गोल हासिल करने के लिए एक स्पष्ट योजना बनाई थी। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वह एक दिन अपने घर से बाहर घूमने निकले और अचानक उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चोटी पर पाया। उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने के लिए एक स्पष्ट योजना बनाई थी। उनके अंदर वह वहां तक पहुंचने का उत्साह था। उन्होंने हमें कुछ ज़रूरी बातें बताई जो हमें किसी भी गोल को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपको यह महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं। आज आप जीवन में जहां भी हैं, उस बात का रिकॉर्ड ज़रूर रखिए। रिकॉर्ड रखने से आपको पता होगा कि आपने अपना सफ़र कहाँ से शुरू किया था और आप किस बात का अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आपको कहाँ तक जाना है, इसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी होगी। नंबर दो, अपने सभी गोल्स को एक कागज़ पर लिस्ट बनाकर लिखें। कागज़ पर यह लिखें कि कौन सा गोल आप एक वर्ष में हासिल करेंगे, कौन से गोल्स को आप एक महीने में हासिल करेंगे और कौन से गोल्स को एक हफ्ते में या कुछ दिन में हासिल करेंगे। ऐसा करने से आपके गोल की समय सीमा निर्धारित करेंगे। आपको अपने हर गोल को स्पष्ट रखना चाहिए। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि आप पैसा कमाना चाहते हैं। आपको स्पष्टता से सोचना होगा कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, कितने समय में कमाना चाहते हैं। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आप एक बड़ा घर बनाना चाहते हैं, एक बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं। आपको यह कागज़ पर साफ साफ लिखना होगा कि आपको किस तरह का घर बनाना होगा, कौन सी जगह पर बनाना होगा, आपको किस कंपनी की गाड़ी खरीदनी है, उस गाड़ी का मॉडल, रंग और उसके सभी खूबियों के बारे में आपके मन में बिल्कुल साफ होने चाहिए, तब आप उन्हें कागज़ पर लिखें। नंबर चार, आपको लॉन्ग टर्म गोल्स भी सेट करने चाहिए। उदाहरण के तौर पर, एक साल में आप बिजनेस में कितना बढ़ाना चाहते हैं या एक साल में आप कितना धन कमाना चाहते हैं। आपके जीवन में ज़्यादातर गोल्स लॉन्ग टर्म ही होते हैं। हर रोज़ करने वाले काम जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। आप अपने लक्ष्य के बीच आने वाली बाधाओं की भी एक लिस्ट बनाइए, क्योंकि बाधाओं की लिस्ट बनाने से आप उन्हें हटाने में योजना बना सकते हैं। जब आप बाधाओं की लिस्ट नहीं बनाते तो कोई बाधाएं जो आपके ध्यान में नहीं रहती अचानक से आपके सामने आ जाती हैं, तो आपका काम रुक जाता है और आपको लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत अधिक समय लगता है। नंबर छः, आप अपने बड़े गोल्स को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करें। उदाहरण के तौर पर, आप किसी भी खास एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसे सिलेबस के छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। अगर आप सिलेबस को 16 चैप्टर हैं तो आप उन्हें चैप्टर्स में कितना समय देंगे और आपकी योजना लिखना चाहिए। नंबर सात, अपने गोल्स के लिए पहला कदम उठाने से आपको खुद को गोल्स को विजुलाइज़ करना कल्पना करनी होगी। दोस्तों, विजुलाइजेशन की प्रक्रिया एक बहुत ही शक्तिशाली प्रक्रिया है, जिसे इतिहास में बहुत से सफल लोगों ने इस्तेमाल किया। उदाहरण के तौर पर, अगर आप अपनी मनपसंद गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आपके मन ही मन उस गाड़ी को चलाते हुए देखना होगा। हर रोज़ विजुलाइज करने से आपके मनपसंद गाड़ी चलाने का एहसास हो जाएगा और जब आप उसी दिशा में काम करेंगे तो आपको ऐसा एहसास होगा कि लक्ष्य की ओर खींच ले जाएगा।
एटीट्यूड, मनोवृत्ति, क्या आप ज़्यादा धन कमाना चाहते हैं, आपके जीवन का आनंद उठाना चाहते हैं, तनाव को कम करना चाहते हैं, अधिक प्रभावशाली बनना चाहते हैं, अच्छी सेहत चाहते हैं, तो दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। दोस्तों, ये सब पाना आपके लिए संभव है, आप ये सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरत है एटीट्यूड। सही एटीट्यूड का मतलब सही सोच, दूसरों के साथ आपका सही व्यवहार। आजकल दुनिया के हर देश में बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो अलग अलग तरह से काम सिखाने की ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन सही सोच और सही एटीट्यूड बनाने की ट्रेनिंग किसी स्कूल में नहीं दी जाती। आप तब तक किसी भी काम को लोगों के साथ बेहतर दर्शन नहीं कर सकते जब तक आप उसे सही आपका एटीट्यूड नहीं होगा। एटीट्यूड के बारे में समझाने के लिए लेखक जिग जिगलर ने हमें एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। जिग ने एक बार अपनी गाड़ी कहीं से जा रहे थे तो रास्ते में एक रोड ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता हुआ उनका एक दोस्त दिखाई दिया। उन्होंने उसके पास जाकर गाड़ी रोकी और उनसे मिले। जिग जिगलर ने अपने दोस्त को मिलकर बहुत खुशी हुई क्योंकि वह स्कूल के बाद काफ़ी समय बाद मिले थे। उन दोनों ने मिलकर एक साथ लंच किया, बहुत सी बातें की। लंच करने के बाद जब वह जाने लगा तो उन्होंने देखा कि दोस्त के पास उस ट्रांसपोर्ट कंपनी का हेड था, वहाँ पर काम देखने आया। ये सब देखकर जिग ने अपने दोस्त से पूछा कि दोनों एक साथ पढ़ते थे, तुमने काम करना भी शुरू किया था लेकिन वह कंपनी का हेड बन गया और तुम अभी भी उसी पोजीशन पे काम कर रहे हो। तो इस पर उसके दोस्त ने जवाब दिया कि मैंने इस कंपनी में काम करना शुरू किया था सिर्फ यह सोचकर किया था कि मुझे एक घंटा काम करने के 350 मिलेंगे, और वहीं दोस्त आज भी सोचकर काम कर रहा है, जितना भी वो काम करेगा उसी के अनुसार उसे पैसे मिलेंगे। और वहीं दूसरा दोस्त ये सोचकर काम करता था कि उसे अच्छी तरीके से काम करना और अपनी कंपनी को मूल्यवान बनाना है। तो दोस्तों, इससे हमें ये पता चलता है कि आपका पहला दोस्त पैसे कमाने के लिए काम करता था और दूसरा दोस्त ध्यान केवल पैसा कमाने पर था, सारा ध्यान केवल कमाने पर था, यही उसका एटीट्यूड, इसलिए उसने कंपनी में ज़्यादा आगे बढ़ गया। और जबकि उसका दूसरा दोस्त सोच कर काम करता था, उसे काम करना और आगे बढ़ना इसलिए अपना ध्यान काम पर रखता था और पैसे कमाने पर नहीं, इसलिए एटीट्यूड के कारण उसको तरक्की एक दिन में एक वो कंपनी का हेड बन गया। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं और कोई लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो आज ही आपको सही एटीट्यूड बनाए। अगर आपका काम करने पर ध्यान देंगे तो आपका एटीट्यूड बनाएंगे तो आप अच्छा काम भी कर पाएंगे, साथ साथ कुछ पैसे भी कमा पाएंगे, और अच्छा काम करने से आपको तरक्की मिलेगी, एक दिन सफलता के शिखर तक पहुँचेंगे। वर्क, दोस्तों अगली बात यह है कि हमें लेखक ने सफल होने के कई बारे में बताइए। वह है काम करना। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें काम करना होगा। जी कहते हैं कि सफल होने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसलिए जीवन का कोई भी लक्ष्य हासिल करने के लिए काम तो आपको करना ही होगा। आपको जीवन में काम करना चाहिए, आपकी एक दिलचस्पी हो, क्योंकि आप तभी आप उस अच्छी तरीके से काम कर सकेंगे। अगर आप ऐसा काम करने में कोशिश करेंगे जिनमें से आपकी दिलचस्पी नहीं है तो आपका दिल नहीं लगेगा, आप बहुत जल्दी उस काम में बोर हो जाएंगे। इसलिए वही काम करें जिसमें आपकी दिलचस्पी है, और जब आप उसे मन लगा कर करेंगे तो आप सफलता अपने आप आपको मिलती चली जाएगी। सफलता हासिल करने का यह राज है, आपको खुद कोशिश करनी होगी। आप जीवन में सबसे अधिक दिलचस्पी वाले काम को चुनिए, उसके लिए मनपसंद लक्ष्य निर्धारित कीजिए। इतना करने के बाद आप मनपसंद काम ढूंढिए, आप देखिए कि आपका मनपसंद काम आपको कहाँ मिलेगा। आपका काम आपको इंटरनेट पर भी मिल सकता है और आपके शहर में भी मिल सकता है, और अगर छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाना पड़े, घर वालों से घर से आराम से दूर रहना पड़े, तो उसके बाद भी आप अपने मनपसंद का काम करने के लिए खुद तैयार कीजिए और उसमें जुट जाइए। दोस्तों, इसी तरह से आपको काम में मेहनत करनी पड़ती है तभी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन ने हमें यह चैप्टर में समझाने की कोशिश की है कि कोई भी लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें पूरी मेहनत करनी पड़ती है। डिजायर, इच्छा, दोस्तों मतलब यह है इच्छा का कि लक्ष्य को पाने के लिए आपके मन में तीव्र इच्छा होनी चाहिए। जब आपके मन में कुछ पाने की तीव्र इच्छा होगी तो आपके रास्ते में आने अपने आप मिल जाते हैं। नेपोलियन हिल्स ने एक फेमस बुक में कहा है, थिंक एंड ग्रो रिच का पहला चैप्टर है डिजायर, यानी तीव्र इच्छा के बारे में लिखा। मैंने ऑलरेडी थिंक्स एंड ग्रो रिच की बुक समरी आपके चैनल पर अपलोड कर दी है, जिसे आप देख सकते हैं। अगर आप अपने वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, कई लोगों में बहुत सी काबिलियत होती है लेकिन उनके अंदर कुछ बड़ा हासिल करने की तीव्र इच्छा नहीं होती, इसलिए वह जीवन में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाते हैं।
और वह छोटे मोटे ही काम करते रहते हैं। तो दोस्तों मन में तीव्र इच्छा होने का एक और फ़ायदा है कि जब आपको यह पता नहीं होता कि आप अपने लक्ष्य को कैसे हासिल करेंगे, आपकी तीव्र इच्छा के कारण आपको उसे पाने के लिए रास्ते अपने आप मिल जाएंगे। मान लीजिए कि आप किसी बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम कर रहे हैं, लेकिन आप वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे इस बारे में आपको कुछ नहीं पता। जब आप हर रोज़ कंपनी में काम करने के बारे में सोचेंगे, धीरे धीरे आपको रास्ता दिखाई देने लगे, आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने का कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। अगर आप ठीक तैयारी करेंगे तो इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसके बाद आपको इंजीनियरिंग में मेहनत करने के बाद आपको इंजीनियरिंग करते हैं उस कंपनी में काम करने के लिए लगातार सोचेंगे। आपने मन में इच्छा रखेंगे कि वह कंपनी कर्मचारियों को भर्ती करने के लिए कॉलेज में ही आ जाए। अगर वह कंपनी आपके कॉलेज में नहीं आती तो इंजीनियरिंग के बाद भी कोई ना कोई व्यक्ति आपको ज़रूर मिलेगा जो आपको उस कंपनी में भर्ती होने में मदद करेगा। शायद दोस्तों एग्जाम्पल पर ज़्यादा यकीन ना हो, लेकिन एग्जाम्पल 100% सच है। जब आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए अपने अंदर इच्छा रखेंगे तो पहुंचने के लिए रास्ते आपको ज़रूर मिलेंगे। बस आपको उन रास्तों पर चलने के लिए मेहनत करने की खुद को तैयार करना होगा। आपका लक्ष्य बहुत सारे पैसे कमाना, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर खरीदना, आपके मनपसंद जीवन साथी से शादी करना हो सकता है, लेकिन आपका लक्ष्य चाहे जो भी हो उसे हासिल करने के लिए आपको इच्छा रखनी होगी, खुद को मेहनत करने के लिए तैयार रखना होगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वीडियो के अंत में मैं आपको बताए गए सारे स्टेप के महत्वपूर्ण पॉइंट दोबारा दोहराऊंगा, तो इन सभी बातों पर एक नज़र डालते हैं कि सबसे पहले अपनी सेल्फ इमेज यानी खुद की छवि बनानी होगी और खुद का आत्मविश्वास बढ़ना होगा। उसके बाद आपको दूसरे अपने रिश्ते अच्छे बनाने होंगे, दूसरों की अच्छाइयों को देखना होगा। तीसरी बात, अपने लक्ष्य को स्पष्ट और निर्धारित करना चाहिए, उन्हें पाने के लिए समय सीमा तय करनी चाहिए। चौथी बात, सही एटीट्यूड यानी सही मनोभाव, जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए सही एटीट्यूड की ज़रूरत होती है। पांचवी चीज़, हम जीवन में सफलता पाने के लिए उस दिशा में पूरी मेहनत का काम करना होगा, क्योंकि बिना कोई काम किए कोई भी सफल व्यक्ति नहीं होता। तो सबसे आखिरी चीज़ डिजायर यानी तीव्र इच्छा, जो आपके लक्ष्य को और खींचती तो आपको उस पहुँचने का रास्ता दिखाई देती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये बुक समरी सी यू एट द टॉप बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर ये बुक समरी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और कमेंट में हमें बताना कि मतलब कि क्या पॉइंट है जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे, बहुत ही इंस्पायरिंग लगे, तो वो जरूर पॉइंट हमें कमेंट में लिखना। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।